बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? ठीक कर उम्मीद करनी है कि तुम ठीक ठाक हो। दे अज का व्लॉग करने है जी शुरू। नेक नाम तू अल्लाह दे कलमा शरीफ सामने लगा हुआ कि मैं कह दे तू आगाज करा करा वीडियो का, तो बहुत अच्छी वीडियो बने करेगी जी। अज असी बना रहे हैं भिंडियां, तो साथ में बना रहे हैं रोटियां। आप भी सोच रहे होंगे कि आप ही के घर में भिंडियां बड़ी बनती है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को और मेरी पुप्पो जान को बड़ी पसंद है भिंडियां, तो वो कहते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन ना भिंडियां बननी चाहिए घर। तो वो सारा मटीरियल किचन में रखा है। तो आज बच्चों से मुलाकात करवाती हूँ। ये देखे बच्चे खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा था। आज 9 मुहर्रम है, तो वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि 9 मुहर्रम को भी बारिश हो रही है, वरना तो 9-10 मुहर्रम को शदीद गर्मी होती है। सर्दियों में भी अगर आ जाए तो मौसम जो है ना गर्म ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा चांस है, ज़िंदगी का पहली दफ़ा मैंने बारिश देखी है इस मौसम में। तो ये देखें बच्चे अपनी मौज मस्ती में अमरूद के जो है ना उतार के पत्ते सटते, और सफ़ीर अभी मेरे से डांट खा के ना, तो ये जो उसने नीचे सारे पत्थर खिला जो बिखेरे थे ना, वो अब बास्केट में डाल रहा है झाड़ू के साथ। ये देखें अनुषे भी आई है, उसकी पुप्पो की बेटी आई है उसके साथ खेलने। ये देखे नुशे हमारी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखे माशाल्लाह नुशे कितनी प्यारी लग रही है। फिर बच्चों से बड़ा ही प्यार करता है जी। ये यार हम भी है साथ, बच्चे अपनी मर्जी के साथ खेलते हैं। ये देखे माशाल्लाह हमारे अमरूद देखे। ये देखिए अब माशाल्लाह ना पकने स्टार्ट हो गए हैं अमरूद, बहुत ही अच्छे पक रहे हैं। ये देखिए जब ज़्यादा पक जाते हैं ना ऐसे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारे घर में है, तो वैसे मैंने बहुत ही कम खाती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि मैंने कभी एक अमरूद भी पूरा खाया होगा। मेरी फल से इतना मेरा लगाव नहीं है। मेरे बच्चे तो बहुत खुश होकर फल खाते हैं। ये देखिए फाइनल लुक इनकी, देखिए माशाल्लाह पूरा जो हमारा दरख्त है ना भरा हुआ है इस टाइम अमरूदों के साथ। चले आए चलते हैं जी किचन में, तो करते हैं अपनी भिंडियां बनानी स्टार्ट। आज कुछ मूड नहीं था मेरा कुछ बनाने का, तो फिर मैंने सोचा चले बना ही देते हैं, घर वाले भूखे तो नहीं ना रह सकते। ये देखें जी आधा किलो भिंडियां है, ये 4 अदद प्याज थे बड़े वाले, 3 टमाटर, और देखें मुट्ठी भर के सब्ज़ मिर्च है। ये है आधा किलो भिंडियां की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं वीडियो का आगाज़ खाना बनाने से। तो अभी मैं इसके अंदर पहले डालूँगी भिंडियाँ। सफ़ीर पल्ला हैर करे आ गया, आवाज़ शुरू हो गई। ये देखें जी आज ना भिंडियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी ना ये देखे बीज काफ़ी बड़े बड़े थे इसके अंदर, थोड़ी जिसे कहते हैं ना पक गई थी ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं पहले। हर पे ज़रूरत ही आयल है लहसुन को, उसी आयल में बाद में भिंडियाँ बन जाएगी। ये देखें अभी मैं इनके साथ नमक ऐड करूंगी और कुछ भी नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि नमक मेरे ख्याल से भिंडियाँ जब आप डालें तभी नमक ऐड कर दिया करें। मेरे ख्याल से तो नमक भिंडियों में हल नहीं जल्दी होता, मेरा ख्याल है। वैसे हर कोई अपने तरीके से हांडी बनाता है। ये देखें भिंडियों ने हल्का हल्का जो है ना अपना कलर हरा जो है ना चेंज कर लिया। अब 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे बस, इनका निकाल के। तो ये देखें जी मैंने भिंडियाँ को निकाल के ना मैंने बस इनको हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि भिंडियाँ का अगर असली कलर चेंज हो जाएगा ना तो इनकी जो है ना टेस्ट मेरे ख्याल से वो नहीं रहता। वैसे भी मेरे घर में तो अगर फ्राई भिंडियाँ पता चल जब बनी है वो खुश होकर खाते नहीं, कहते हैं कि इसका अपनी जैसे प्याज ब्राउन करके बनाते वैसे बनाया करोगे। देखें अब उसी आयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया, अब ये थोड़ा कलर चेंज करता है तो फिर मसाले डालते हैं उसके अंदर।
माशाल्लाह ये देखे कितनी प्यारी रंग लुक लग रही है। अभी सिर्फ मिर्ची और हल्दी और सबस मिर्च डाली है, तो उनको करते हैं मिक्स। फिर डालते हैं टमाटर उसके अंदर, टमाटर डाल के इसको दाने डाल देंगे। बड़ी प्यारी धनिया बन के तैयार होगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना सूखा धनिया भी ऐड किया है, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो प्यारी जरूर दीजिएगा। ये देखें कितने प्यारे टमाटर तीन अदद काट लिए मैंने, इसको शामिल कर देते हैं। अब करते हैं इसको मिक्स। ये देखें अब मैंने इसको कर दिया मिक्स। अब इसको लगा देती हूँ दम, 5 से 7 मिनट तक दम रहेंगे। फिर इसका ढक्कन ओपन करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह ऑयल भी सारा छोड़ देगी और ये जो ऊपर अभी आपको टमाटर शमाटर नज़र आएंगे भी मिक्स हो जाएंगे। ये देखें जी इसको कवर कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए। इसको लगाते हैं दम और पास से उठा लेते हैं अपना चीज़ें वगैरह। किचन भी साथ साथ समेटते रहे ना तो सुकून रहता है। अगर चीज़ किचन में चीज़ें बिखरी रहे ना तो ऐसे अफरा तफरी का आलम लगा रहता है किचन में भी। ये देखें माशाल्लाह मैंने ढक्कन उठाया, ये देखें अभी सिर्फ ढक्कन उठाया, अभी कुछ भी चेक नहीं किया। ऑयल देख लें कितना माशाल्लाह, ये निशानी होती है कि हंडिया बिल्कुल तैयार होने से। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई है। सालन तो मेरा माशाल्लाह हो गया तैयार, तो अब साथ ही रोटियां बना लेते हैं क्योंकि बच्चों को तो फिर अगर भूख लग जाए तो फिर वो तो सब्र नहीं करते, मामा ले आओ खाना ले आओ खाना। वैसे भी फिर जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है तो उससे पहले फिनिश कर दें किचन का काम आज। यहाँ पर देखे मैंने जी रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, जल्दी जल्दी रोटियाँ बता लें। ये देखें जी फाइनल लुक मेरी वीडियो की। सैलेड तो हर सालन के साथ मस्ट है ना, वो खाना है। खीरा ऑप्शन है, खीरा तो लाजमन खाना है, प्याज और टमाटर ऑप्शन है, आप खाओ या ना खाओ खीरा लाजमन मैं खाती हूँ। तो ये साथ में रोटी है जी। तो ये थी मेरी फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह मुझे आई है साथ मेरी ना आप ही के घर से बिरयानी आई है और साथ में सादा पानी मैं खोलने लगी हूँ। रोज़ा आज नौ मुहर्रम थी तो रोज़ा रखा हुआ था, तो अजानें हो गई हैं, रोज़ा खोल के तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं। चले हाँ जी चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा तो खोल लिए। ये देखिए जी मुझे नमाज़ पढ़ता देख के मैं दुआ मांग रही थी, सफ़ीर ली आया बाहर से, सफ़ीर भी जल्दी जल्दी नमाज अदा करने लग गया, वजू कर गया, नहा के आया, नहा रहा था तो कपड़े डाल के तो कैप डाल के नमाज़ शुरू कर लिया है। माशाल्लाह अल्लाह इन्हें 5 टाइम का नमाजी बनाए, अल्लाह माँ बाप का फरमा दार बनाए, अल्लाह सबकी इज्जत करने वाला बनाए, अल्लाह इलम में इजाफा दे इन बच्चों के, आमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मेरे बेटे ने नमाज पढ़ ली, अब दुआ मांगने लगा है, सलाम फेरेगा फिर जो है ना नमाज मुकम्मल करके दुआ मांगेगा। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का करते हैं एंड, रही ज़िंदगी तो फिर कल से बनाएंगे नया ब्लॉग आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपको भी और मुझे भी अपने ज़ुमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे।